दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं, जैसे कि हमने कद्दू, भिंडी, करेले, बैंगन और सब्जियां, शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह लगाए हुए हैं। दोस्तों ये सारी सब्जियां हमने ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की हुई हैं, हमने अपनी ऑर्गेनिक खाद खुद ही तैयार की जिसमें किचन वेस्ट को इकट्ठा कर कंपोस्ट तैयार करना, जो कि हमारी इसी चैनल पर प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम इन पौधों को तेज़ गर्मी और धूप से कैसे बचाएं। जैसे कि गर्मी और तेज़ धूप का मौसम अभी आ चुका है और जिस प्रकार गर्मी और तेज़ धूप एक इंसान के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, उसी प्रकार दोस्तों इन पौधों के लिए भी तेज़ धूप और गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ तो उन पौधों को हम किसी शेड में रख देते हैं, जहाँ उन पौधों के ऊपर हम एक शेड कर देते हैं। तो आपको आज बताएँगे कि हमने ग्रीन नेट शेड इन पौधों के ऊपर कैसे लगाना है और आपको ऐसा तरीका बताएँगे कि आप केवल 5 से 10 सेकंड में कैसे उसको ग्रीन नट शेड को ओपन कर सकते हैं और कैसे उसको बंद कर सकते हैं। अक्सर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ग्रीन नट शेड को बंद करने की या ओपन करने की? दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन नट शेड को फ्रेम्स में पक्का बांध देते हैं, जब कभी रात को अंधेरी वगैरह आती है या कोई एमरजेंसी में हमें उसको खोलना पड़ता तो वो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। तो हमने ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि जिससे आपका ग्रीन नट शेड खोलने में भी आसानी होगी और बंद करने में भी आसानी होगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप कैसे एक ग्रीन नट शेड तैयार कर सकते हैं जो कि केवल मात्र एक 5 से 10 सेकंड, जी हाँ आपने ठीक सुना कि 5 से 10 सेकंड में आप उसे खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इवन कोई बच्चे भी जो उसको खोल लेंगे या बंद कर लेंगे। तो आइए दोस्तों अभी आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। ग्रीन नेट आपने जो लेना है वो कितनी परसेंटेज का होना चाहिए, कितनी धूप उसमें से छन कर नीचे जानी चाहिए, सारा कुछ दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने जो फ्रेम ऐसे लोहे का बनवा लिया सारा साइड में कवर कर, तो इन फ्रेम्स पर ही आपने जो ग्रीन नेट को लगाना है। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे फ्रेम्स जो बने हुए हैं। तो दोस्तों आप भी किसी लोहे वाले से या जो लोहे का कोई काम करता है उससे आप ये फ्रेम ऐसे बनवा सकते हैं। जो मेरा जो फ्रेम का जो साइज़ है, इस वक्त जो लोहे का फ्रेम बना हुआ है इसका साइज़ है कोई 16 फीट जो है ये लंबाई में है, 20 फुट ये चौड़ाई में है। इधर लंबाई जो इसकी है 16 फीट और इधर जो इसकी चौड़ाई है इसकी ये है दोस्तों 20 फीट। तो और साथ में मैंने क्या है कि कुछ हुक्स जो डाल रखी हैं, देखिए आप हुक्स मैंने लगा रखी हैं इसी के लिए कि जैसे मैंने हैंगिंग टमाटोज लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि टमाटर जो लटकती बोतलों में टमाटर, इसकी वीडियोस भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये जो आपके हुक्स हैं इस काम में जो है आ सकते हैं। देखिए फ्रेम पूरा तैयार करवा लेने के बाद आपने उसको पेंट करवा लेना चाह ताकि क्योंकि इस फ्रेम ने हमेशा बाहर रहना, तो इस पर कोई पानी का असर ना हो, इस पर कोई जो रस्ट वगैरह ना लगे। तो देखिए मैंने फ्रेम तैयार करवा लिया था, उस पर पेंट कर लिए, चाहे आप पेंट करवा लें चाहे आप खुद ही पेंट कर लें। बाकी दोस्तों आपसे एक बात शेयर करूँगा कि आप कोशिश किया कीजिए कि आप अपने टेरेस गार्डन में जहाँ आपने कहीं भी अपना गार्डन बनाया है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद करें, अपने बच्चों से करवाएं, आप अपने परिवार वालों से करवाएं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मेरे गार्डन का दोस्तों। तो टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह, भिंडी और ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ लगा रखी हैं, इवन कि मक्का तक मैंने लगा रखा है अपने टेरेस किचन गार्डन पर। आइए दोस्तों बात करते हैं हम नट शेड की। दोस्तों जब आपका सारा फ्रेम बनकर तैयार हो जाएगा तो आपने ऐसे करना है कि आपने एक किनारे पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा लेना है जिसके बीच से तकरीबन 1.25 इंच का पाइप जो निकल सके। अगर आपके पास वो पाइप बड़ा है
तो आप इसका जो शेप जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास ये पाइप है स्टील का, दोस्तों आपने स्टील का पाइप रखना है। तो ये ऐसे होगा कि इसके बीच से जो पाइप जाएगा, ये सिर्फ एक डेमो के लिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि लंबाई जो है वो तकरीबन 16 फीट, तो 16 फीट का आपने एक स्टील का पाइप ले लेना है। तो इसको ऐसे इंसर्ट करके दोस्तों आपने जो है वो नेक्स्ट सिरे तक ले जाना। मैंने वहाँ पर भी एक ऐसा ही जो मैकेनिज्म बना रखा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ चलकर। दोस्तों थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए इस तरफ भी मैंने ऐसा जो ब्रैकेट बना रखा है और यहाँ से ब्रैकेट को दोस्तों बंद कर रखा है। ये देखिए यहाँ से इस साइड से ये बंद है ताकि आपका पाइप जो है वहाँ से चलकर यहाँ से बाहर ना निकल जाए, यहाँ पर स्ट्रक हो जाए। तो आपका पाइप वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगा दोस्तों ऐसे, और एक स्टील का पाइप पड़ जाएगा जैसे आप अपने घरों में पर्दे के लिए डालते हैं। इसी प्रकार आपने इस साइड में ऐसे मैंने पाइप डाल रखा है दोस्तों, ये देखिए इसी प्रकार आपने ये पाइप डाल लेना है। इसका दोस्तों मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप आगे देखिए वीडियो आप पूरी देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये है मेरी दूसरी साइड वाला पाइप, इसकी लंबाई 16 फुट से मैंने ज़्यादा रखी है, थोड़ा सा बाहर भी निकल आएगा तो कोई बात नहीं, अभी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंसर्ट करना है। ये दोस्तों मेरा ग्रीन नेट जो मैं बनवा के लाया था, ये दोस्तों ग्रीन नेट आपको बाज़ार में आम ही मिल जाएगा, तो आपने अपनी जो लंबाई और चौड़ाई को करेक्ट से माप लेना है, उससे आपने 1 फुट ज़्यादा ही लेके आना है। तो जब आप ग्रीन नेट बाज़ार में लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिलाई वाले भी मिल जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि उसको आपने निवार से सिलाई जो डलवा लेनी है चारों तरफ। अगर आपका ग्रीन नेट छोटा पड़ जाता है तो आप उससे उसमें से जो अलग से पीस हो आप जुड़वा भी सकते हैं, बीच में लगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रोसीजर है ग्रीन नेट पर लोहे के कड़े लगवाने, जैसे आप अपने पर्दों को टांगते हो घर में, इसी प्रकार दोस्तों ये लोहे के कड़े। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपके जो ये वाले कड़े हैं ये मजबूत चाहिए लोहे के दोस्तों। अब आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको छोटा सा डेमो बताता हूँ। इनका जो आप गैप रखेंगे, मैंने दोस्तों गैप रखा 2 फुट का, देखिए हर 2 फुट के बाद जो लगाए हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इन कड़ों का क्या काम है। ये देखिए जैसे कि मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा पड़ा है पाइप का, मैं आपको इससे डेमो दिखाता हूँ कि आपने जो पाइप साइड में टांग रखे हैं अपने फ्रेम के, तो उसमें से इन सभी को निकाल देना है। ये देखिए, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सारा शेड डाल के दिखाता हूँ, फिर हम खोल के भी देखेंगे। दोस्तों ये हमारी स्टील वाली पाइप, जो कि हमारी जो लंबाई है इसकी ये है 16 फुट, तो मैंने ये 17-18 फुट लिए ताकि थोड़ी सी बाहर भी रहे तो कोई बात नहीं। तो इसको आप ऐसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे दोस्तों आप पाइप को इंसर्ट कर लेंगे और दूसरे सिरे में जाकर उसको आप फंसा देंगे। तो रिंग्स आप बार में डालेंगे, पहले आप पाइप को एडजस्ट करके देखें कि क्या आपकी पाइप पूरी आ गई वहां पर। ये देखिए दोस्तों हमारी पाइप जो पूरी इसकी फिटिंग आ चुकी है, यहां से लेकर वहां तक। अब इस पाइप को थोड़ा पीछे करकर हम अपना जो ग्रीन नेट शेड में हमने जो रिंग्स लगाए हुए हैं इसके बीच में डाल लेंगे। दोस्तों मैं आपको इस ग्रीन नेट के बारे में एक बात और बता दूं कि जब भी आपने बाज़ार में ग्रीन नेट लेने के लिए जाना है तो आपने 75% वाली ही मांगनी है, आपको 90% भी मिलेगी
80% भी मिलेगी, पर आपने 75% की ही रिक्वायरमेंट बतानी है आपकी। 75% मीन्स कि ये नेट 75% धूप को रोकेगी और बाकी 25% धूप नीचे आएगी जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है। तो अभी इसको हम सीधा करेंगे। पहले ये देखिए, दोनों साइड में हमने जो दो दो फुट पर जे रिंग से लगा लिए हैं। तो दोस्तों इसको आपने ऐसे बीच में से निकाल लेना है। थोड़ा सा पाइप पीछे कीजिएगा। ऐसे आप 1x1 सारे रिंग्स जो वो डाल लें बीच में से। और दोबारा पाइप वहां पर आप इंसर्ट कर दें। ये लीजिए दोस्तों, आपका एक साइड में जो है रिंग्स तैयार हो चुके हैं। अब इस नेट को आप ऊपर से निकाल कर दूसरे वाले पाइप में लेके जाइएगा। अब इसी प्रकार इस पाइप को थोड़ा पीछे कर आप अपने रिंग्स इसमें डाल लें। थल्ले दिखाओ। ऐसे हमने दूसरा पाइप भी इंसर्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला मैकेनिज्म था, जैसे मैंने बताया था कि जो ये वाला मैकेनिज्म था हमारा, ये देखिए, जिसके यहाँ से पाइप गया, आपने क्या करना है कि आपने ऐसे इसको एक पेच लगा देना है होल्डिंग करने के लिए। यहाँ पर ऐसे आप क्लोज से, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे एक वेल्ड करा रखा है इसके साथ, आप देख सकते हैं एक नट बोल्ट मैंने वेल्ड करा रखा है। ये किस काम के लिए कि ये ऐसे कि आप इसको जब कस देंगे यहाँ से तो आपका स्टील वाला पाइप जकड़ा जाएगा, ये हिलेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप किसी चाबी से या किसी पाने से इसको कस दें। इसी प्रकार जो हमारा इधर वाला मैकेनिज्म था, या कह लें पाइप होल्डर, इसमें भी ऐसे इसको भी लगा लें। दोस्तों आगे वाला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि जिस रस्सी से हमने इसको खींचना है पर्दे को, ग्रीन नेट को जिस रस्सी से खींचना है, वो रस्सी हमने कैसे लगानी है। तो एक बात दोस्तों आपको और बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने जो स्टील का पाइप ही लगाना है इस काम के लिए, आप कोई वायर भी लगा सकते हैं। ज़रा वायर को थोड़ा खींच के लगा दीजिएगा, वायर आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो यह भी ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा फ्रेम बनाएं, इतना खर्चा करें। आप केवल क्या कर सकते हैं कि आप उस साइड से लेकर इस साइड तक आप वायर भी बांध सकते हैं। तो आप केवल उस वायर्स को बांध लें, उस वायर्स पर भी ये जो नेट खुलेगा और चलेगा वहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो मैंने थोड़ा सॉलिड काम किया, स्टील पाइप लगा लिया है ताकि रिंग्स उस पर चल सके आसानी से। सो दोस्तों इसके बाद बताता हूँ कि रस्सी आपने कैसे लगानी है। आपको 4 रस्सियाँ चाहिए होगी इस काम के लिए, मैं आपको बताता हूँ सारा डिटेल में। दोस्तों आपने इस रस्सी को उतना ही लंबा लेना है जितनी लंबाई है। देखिए आप ऐसे करेंगे कि आपके पास जो सबसे लास्ट वाला रिंग होगा, दोस्तों आपने लास्ट वाले रिंग में रस्सी को बांध लेना है। लास्ट वाले रिंग में बांध लें, चाहे आप अपनी जो लास्ट वाली लूपी है जो आपने रिंग होल्डर निवार का बनाया हुआ उसमें, ऐसे देखिए आप, ऐसे आपने इसको
बांध लेना है। जैसे दोस्तों इसकी मैंने बताई कि लंबाई 16 फीट है, आपने रस्सी जो है तकरीबन आप 18 फीट की ले लें, एक रस्सी नहीं, आपने 18 फीट की दो रस्सियां लेनी दोस्तों। अभी जो एक रस्सी तो बन चुकी है, दोस्तों जिस प्रकार आपने एक रस्सी बांध दी है इसी प्रकार आपने दूसरी रस्सी को भी यहाँ पर बांध देना है। अब आपकी दो रस्सियां बन चुकी हैं, ये देखिए। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अब दूसरे सिरे पर, उस पर भी सेम ही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपने इस तरफ भी ये ऐसे ही रस्सियां बांध देनी है। दूसरी रस्सी को भी आप साथ में ही बांध दें। लीजिए दोस्तों तकरीबन सारा काम पूरा हो गया। आप देखेंगे कि हमारा ये जो ग्रीन नेट सही तरीके से खुलता है या नहीं। दोस्तों ये थी वीडियो, आप ग्रीन नेट कैसे डाल सकते हो। मेरे कहने का भाव है कि आप एक फोल्डेबल ग्रीन नेट कैसे बना सकते हो अपने गार्डन के ऊपर। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने कहीं भी कोई प्लांट्स लगा रखे हैं तो उनको धूप में ना रखें दोस्तों, इनकी आप गर्मी में केयर कीजिए, आप ध्यान रखिए, ये आपका ध्यान रखेंगे और खूब फल फूल देंगे। दोस्तों कुछ समय पहले तक जब ग्रीन नेट नहीं था तो ये पौधे मुरझाए हुए थे, इनके पत्ते नीचे लटके हुए थे। जैसे ही हमने इन पर ग्रीन नेट डाला तो आप देखिए इन पर कितनी हरियाली दिखने लगी है, जैसे इनमें एक नई जान सी आ गई है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको वो सारी टेक्निक्स बताई कि आप ग्रीन नेट को कैसे खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, वो भी विदिन 5-10 सेकंड्स के बीच में। अगर आपको इसके बारे में मन में क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक सभी को सलाम और नमस्कार।